कितने दलित नेता उनके साथ हैं, सब तो हमारे साथ हैं। जीतन राम, मान्य जीतन राम मांझी जी दलित नेता हैं, हमारे साथ हैं। और उन्होंने कितना दलित नेता को अपमानित किया है, आप सब ने देखे हैं विधानसभा में, उन्हें कितना तुम ताम कह करके अपमानित किया गया। क्या वो दलित हित की बात करते हैं? दलितों के हित की रक्षा की ही काम किया है, पिछड़ों के हित की रक्षा के ही काम किया है। वे तो मात्र दिखावा के लिए यह सब काम करते हैं, आज शुरू कर रहे हैं, वो देखा देखी कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए हमने काम किया। हमने तो हर वक्त हमेशा सबके लिए काम किया है, सामान्य काम है यह मेरे लिए। उन्हें देख करके अचंभित होता ने, अनुसूचित जाति जनजाति महादलित सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। कुल ही भरेगा, आप देख लेंगे, जगह नहीं रहेगा। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आज अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति जाति के लोग जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, आज आप लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए यह खास कार्यक्रम कहा जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? तैयारी तो बीजेपी की हमेशा ही रहती है। हम कोई भी काम करते हैं तो अमनस्य ढंग से नहीं करते हैं, हम बिल्कुल तैयार होकर के करते हैं और करते आ रहे हैं। अंबेडकर की जी की जयंती हम सब दिन मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, हमारे लिए तो यह सामान्य कार्य है। लेकिन जो महागठबंधन वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग तो दलित विरोधी हैं, दलितों का वोट अपने तरफ करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बुला रहे इस कार्यक्रम में। कितने दलित नेता उनके साथ हैं, सब तो हमारे साथ हैं। जीतन राम, मान्य जीतन राम मांझी जी दलित नेता हैं, हमारे साथ हैं। और उन्होंने कितना दलित नेता को अपमानित किया है, आप सब ने देखे हैं विधानसभा में जी। मान्य जीतन राम मांझी जी उनसे उम्र में बड़े हैं जी। उनसे विधानसभा के स्तर पर भी राजनीति में बड़े हैं जी। फिर भी उन्हें कितना तुम ताम कह करके अपमानित किया गया। क्या वो दलित हित की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त जब भी सत्ता में उनके सहयोगी के रूप में रही है तब भी दलितों के हित की रक्षा की ही काम किया है, पिछड़ों के हित की रक्षा के ही काम किया है। वे तो मात्र दिखावा के लिए यह सब काम करते हैं, एक अपना दिखावा के लिए वो खड़ा कर किए थे जीतन राम मांझी जी को, जिन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया जब उनकी मनोनुकूल काम नहीं हुआ। अच्छा, देखा इसकी का भी आरोप लग रहा है, कहा ये जा रहा है कि हमने भीम संसद का आयोजन किया गया, दलितों को इकट्ठा किया गया, इसी को देखते हुए बीजेपी भी कार्यक्रम कर रही है। इसके पूर्व भी हमने कार्यक्रम किया था, हम हमेशा सब दिन और बूथ स्तर पर हमने अम्बेडकर जी की जयंती मनाते आ रहा हूँ जी। वे आज शुरू कर रहे हैं, वो देखा देखी कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए हमने काम किया है। हमारी पार्टी सबके लिए काम की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करने का काम किया है। अच्छा, जब प्रकाश जी ये भीम संसद के जरिए, ऐसा तो नहीं बीजेपी अपने तरफ अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए करवा रही है? बिल्कुल नहीं, हमने तो हर वक्त हमेशा सबके लिए काम किया है, सामान्य काम है यह मेरे लिए। उन्हें देख करके अचंभित होता है जी। हमारा तो सामान्य वर्क है, हम सबके लिए काम करते हैं, एक समान काम करते हैं। हम लोग पक्षपात नहीं करते, तुष्टिकरण का काम हमने नहीं किया है जी। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए सामान्य काम है। वह आज देख रहे हैं तो सोचे, जो बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ही जितने अनुसूचित जाति जनजाति महादलित सारे के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। मिलर हाई स्कूल भर जाएगा ग्राउंड? बिल्कुल ही भरेगा, आप देख लेंगे, जगह नहीं रहेगा।
देखिए हमारे साथ बात करने के लिए नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव थे। ऐसे में साफ कहते हुए नजर आए थे कि जदयू वाले जो लोग हैं या फिर महागठबंधन वाले जो लोग हैं वो दलित विरोधी खुद हैं। नीतीश कुमार तुम तलाक करके बात करते जितना माजी से, ऐसे में दलितों का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि अम्बेडकर समागम का आज पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया है आयोजन। ऐसे में इसमें तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जयप्रकाश यादव ने साफ कहा है कि मिलर हाई स्कूल ग्राउंड जो है पूरे तरीके से भर जाएगा। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे अम्बेडकर समागम को लेकर, दलितों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।